फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजबर। आज आपके सामने है ग्रीन ब्यूटी निंजा 300 मोटरसाइकिल दिखाने वाले हैं। सारी दिखाएंगे बाद में, पहले दिखाएंगे आपको एग्जॉस्ट। इधर आइए। ये एग्जॉस्ट की बहुत सारी रेंज हमने निकाल रखी है और इसका स्टॉक जो एग्जॉस्ट है वो हमने निकाल दिया है। इधर ये देख सकते हैं, ये निकल चुका है इसका और बैंड पाइप इसमें लग चुका है, जो कि इसका डिकेट बैंड पाइप है ये इसमें लगा दिया है। और अब सुनाते हैं एक एक करके आपको इसकी साउंड। आपको जो पसंद आए वो बता, कमेंट कर जरूर बताना कि इसमें आपको कौन सा अच्छा लगा, और एंड में बताएंगे भैया की पसंद जो भैया ने लगवाएंगे इसमें। तो आओ स्टार्ट करेंगे। तो ये है इसका जो लगाया है, इसका ना SC प्रोजेक्ट का ये। इसके अंदर अभी फिलहाल हम सुनाते हैं इसकी साउंड की कैसी आती है। करें स्टार्ट। काफ़ी गजब साउंड है इसके, तो यार मज़ा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सुनाते हैं हम आपको एक्रा पब्लिक का न्यू मॉडल जो कि आया हुआ है इसके अंदर, उसके सुनते हैं साउंड कैसी आती है। इसकी भी साउंड काफ़ी अच्छी है वैसे मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं एट द एंड क्या पसंद आता है। और ये है आपका एक्रा पब्लिक का बेसिक कार्बन वाला, जो कि इसके अंदर लुकिंग काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद कार्बन फिनिश के अंदर। कार्बन तो हमेशा अच्छा लगता है। ये तो सुनते हैं इसकी भी साउंड और सारे जितने सारे बिना डीबी कलर के सुना रहा हूँ आपको मैं। ये हो गया आपका बेसी वाला, इससे बेसी साउंड हो रही है बेस, क्योंकि जिन लोगों को बेस चाहिए उनके लिए बेस वाली साउंड भी ज़्यादा होती है, तो ये भी अच्छा है। अब सुनाते हैं नेक्स्ट। ये आपका एक्रा पब्लिक का टाइटेनियम, जो कि इसके अंदर आपको सुनाते हैं साउंड और कैसी आती है इसकी। गजब साउंड है पावा इसकी। नेक्स्ट सुनाता हूँ आप एक्रा पब्लिक आपको, जो कि देखने मिलेगा एक्रा पब्लिक क्लैम्प वाला, इसे कहते हैं हम सिक्स कट क्लैम्प। तो इसकी भी सुनते हैं आप, सुनाते हैं आपको साउंड। ये आपको कार्बन प्लस मैट दोनों के अंदर आपको। अब तक मुझे तो सारे पसंद आए, आपको कुछ पसंद आया भैया? तो भैया को भी कुछ ना कुछ पसंद आया, चलो ये अच्छी बात है, पसंद आना जरूरी है। नेक्स्ट सुनाते हैं हम आपको R9 का, जो कि मिलता है आपको एक्रा पब्लिक का R9। इसकी भी सुनते हैं साउंड। वैसे बहुत सारी बाइकों में आपने सुना होगा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट बिकने वाला है। तो इसकी भी साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वैसे तो। बाकी अब एक और सुनाते हैं आपको, जो कि यशुमोरा का आपको मिलता है 47E47। इसकी भी आपको सुनाते हैं। और ये है आपका USA का, इसकी भी साउंड काफ़ी अच्छी आती है और ये भी जितनी भी हैवी बाइक्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखता है। भाई साहब गजब भाई, दो एग्जॉस्ट इनके निकाल दो। तो अभी वीडियो बने रही है, अब वीडियो पूरी ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होते होते आपको बहुत सारे बहुत कुछ दिखाऊंगे इसके अंदर। तो पहले हम इसके फाइनल कर लाते हैं भैया से कि भैया को कौन सा पसंद आया इसके अंदर, जो भी दो चार हैं उनको सुनाकर फिर उसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में इसके अंदर एग्जॉस्ट की साउंड के कौन कौन से एग्जॉस्ट के अंदर लगा सकते हैं हम, और जो भैया ने लगाया वो भी मैं दिखाऊंगा अब आपको। लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर की गई मॉडिफिकेशन जो क्या क्या की गई वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, जो कि देख सकते हैं ये निंजा की ब्रांडिंग के साथ लगा दी गई इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, जो कि आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील वाली। और स्टेनलेस स्टील का आपको ये बेनिफिट है, कुछ जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होता और रेडिएटर होता पूरी तरह से, क्योंकि जब भी कंकर पत्थर जाता है तो रेडिएटर पे लगने के बाद रेडिएटर होता है आपका सेंसिटिव पार्ट, वो आपका डैमेज हो जाता है जिससे गाड़ी आपकी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो उस केस में रेडिएटर गार्ड लगा देगा स्टेनलेस स्टील, जिससे हो गई पूरी तरीके से सेफ्टी गाड़ी की। और उसका सेफ्टी फीचर दिखाऊंगा एक और, ये देख सकते हैं ये इसके स्लाइडर्स, और इसमें अंदर लगा दे केसिंग, ये केसिंग भी स्लाइडर केसिंग आप देख सकते हैं अंदर चेसी, ये जो देख रहे चेसी चेसी नहीं है ये एक्चुअली केसिंग होती है, चेसी की जैसी ही होती है, जैसे चेसी है उसी तरीके से होती है केसिंग। तो केसिंग इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, जिसके बाद इसे लगाने के बाद इसमें लगाते हैं स्लाइडर, और स्लाइडर लगने के बाद फेयरिंग टैंक्स आपको खुद के लैक्स पूरी तरीके से होता है प्रोटेक्ट, क्योंकि गाड़ी जब भी गिरेगी ना तो उसमें गाड़ी आपकी स्टे हो जाएगी, इस तरीके खड़ी हो जाएगी, इसमें फेयरिंग पे आपकी टेल पे किसी भी चीज़ पर कोई भी निशान नहीं आने वाला है इसे लगाने के बाद। सेम आपको इधर मिलता सेम मिलता है आपको इस तरफ भी, देख सकते हैं दोनों तरफ आपको लगा दिया गया है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा देगा मोबाइल होल्डर, क्योंकि नॉर्मल लगा दिया गया, इसके अंदर लगाने के बाद कहीं भी आप इजी राइड कर सकते हो मोबाइल होल्डर लगाने के बाद। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगा दिए गए, आप देख सकते हैं ये इसका टैंक पैड और ये इसके थाई पैड्स। ये टैंक पैड थाई पैड इनका जो यूज्ड है वो ये होता है, जैसे गाड़ी राइड करते हैं ना तो बैठने के बाद एक तो गाड़ी काफ़ी नीचे झुक के चलानी पड़ती है, तो बेल्ट वगैरह से निशान रहता है यहाँ पर। वैसे तो मैं लैमिनेशन कर दी गई है,
बट फिर भी लैमिनेशन के बाद भी लैमिनेशन ना फटे या टैंकी पे निशान ना आए तो उसके इसमें लगा दें टैंक पैड और साइड में लगा दें थाई पैड्स। थाई पैड इसलिए क्योंकि पैंट्स वगैरह निशान लग लग के वो भी ख़राब हो जाता है, तो ये पूरा टैंक हो जाता है आपका सेफ इन्हें लगाने के बाद। और इसके बाद आपको अब दिखाता हूँ इसके अंदर एग्जॉस्ट, जो कि आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, बहुत सारे एग्जॉस्ट दिखाए थे बट इसके अंदर लगाया गया आपका फाइनली कार्बन बेसिक जो कि इसमें लगाया। इसकी सुनाता हूँ आपको साउंड कि कैसी इसमें लगने के बाद आई है। ये आपकी हो जाती है आइडल पर और अब देता हूँ इसका थ्रोटल। ये हो गई निंजा की फुल पावर वाली, समझ गया ना, बस अब समझ जाओ। ये इसके अंदर लगाया है, साउंड इसकी जैसी भैया को चाहिए थी वैसी इसके अंदर मिल गई है। बाकी इसमें से कौन से एग्जॉस्ट की साउंड आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसी वीडियो के नीचे, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको हम गिव अवे देंगे अच्छा सा। और अब मिलाता हूँ भैया से भी, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। और इसमें एक बात और बताना, लैमिनेशन भी अभी की गई है, ये हमारे समझदार बंदों ने सारी लैमिनेशन को हटा दी, लेयर 110% लेयर हटा दी होगी। तो लैमिनेशन की आपको वीडियो करते हो आपको हल्का हल्का क्लिप आपको देखी होगी जो किसी तरह करी थी, आप देख सकते हैं फिनिशिंग वाला काम है, कोई जुगाड़ नहीं होता अपने पास तो आप देख सकते हैं, जज नहीं करता कोई लगा भी नहीं। और अब मिलवाता हूँ भैया जिन भैया की ये बाइक है। तो हेलो भैया, तो कैसे हैं भैया आपको और काम वगैरह कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आने के बाद आपके सारे टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो सारा कुछ राजू भाई देखते हैं, फिर आपको जस्ट आना है और यहाँ पे बैठ जाना है और सारा कुछ अच्छे से राजू भैया करा के देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और राजू भैया हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं जो भी होता है और जेन्युइन प्राइस में सारी चीज़ें लगवा के देते हैं। तो ये देखो, ये आप लोगों का प्यार होता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को टेंशन ना दी जाए, आप लोग टेंशन हमें दे दोगे तो आपको टेंशन 1% भी नहीं मिलेगी, नहीं प्राइसिंग में, नहीं काम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीधा आप राजू भाई के पास आइए और बोलिए कि भैया मुझे ये काम कराना, काम की टेंशन हम लेते नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, फिनिशिंग वाला कोई जुगाड़ तो नहीं करता सर? नो। और कोई जैसे कि बहुत से लोग मार्केट में बहुत हमारे नाम से फर्जी लोगों ने कुछ शॉप खोल रखी है, वो कहते हैं कि हम फेक हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है आपके लिए? वो एक्चुअली वो फेक होंगे क्योंकि वो ऐसा पर्सपेक्टिव दूसरे के लिए लगते हैं, बट एक बारी आप विजिट करना उसके बाद फिर आप खुद देखना कैसे हैं। तो एक करारा जवाब है उनको जो लोग बोलते हैं उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, जो सिर्फ बोलते हैं हम कर बोलते हैं, हम सिर्फ करके दिखाते हैं कि हमें जेन्युइन, और जेन्युइन वर्क जो होता है वो खुद ही दिखता है, कस्टमर खुद बताता है कि क्या जेन्युइन और क्या फेक है। तो समझ आ चुका आपको करना क्या, हमारी दो शॉप होती हैं, एक मिलती है आपको 51 नंबर गली के कॉर्नर पर जो कि 2 साइड ओपन है, दूसरी मिलती है आपको 36 नंबर गली जो कि बैक साइड में मिलेगा आपको, और फ्रंट में देखेगा फ्रंट में मिलेगा हमारा आर्य समाज रोड। तो हमारी दो शॉप है, दोनों का आपको 2 साइड ओपन मैंने बताया दिया है, और इस चीज़ का देख कर रहना खासकर कि 2 साइड ओपन होगा, पूरी ओपन होगी, नहीं ये नहीं खाली गेट नहीं लगा हुआ हमारा, हमारे में दोनों तरफ शटर लगे हुए हैं। और एसकेडी का बोर्ड जरूर देख लें जो कि एसकेडी के बोर्ड्स के नाम से ही है हमारी शॉप। और आगे करना क्या आपको बताया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें राजू भाई एसकेडी को, जो कि मिलने वाला कोई यूट्यूब पर भी और सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर कृष्णा, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाई।